तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? सीधा सवाल। तेजस्वी यादव महा खराब लगते हैं। क्या होते हैं वह कुछ करते हैं। तो मुख्यमंत्री कोई था आ ये उप मुख्यमंत्री थे तो कहा हम ही दिए हैं नौकरी। वहाँ 5 टर्म सूर्यदेव राय जी रहे तो 1-2 टर्म ना, और जब भय खत्म हो गया तो उलट के जब तक नहीं आए। जो लालू यादव के काल में आपने देखा, आपको क्या लगता है तेजस्वी का अगर काल आ गया तो क्या? ऐसे तो हमारे गांव में देहात में लोग कहते हैं कि माय गुण बछरू पिता गुण घोर और न बहुत तो थोरबो थोर। देखिए तेजस्वी यादव माय समीकरण से बढ़कर बाप समीकरण पर आ चुके हैं, लेकिन ये जो भी समीकरण है क्या बिहार की एक आम पब्लिक उसे स्वीकार कर रही है? चाचा जी हमारे साथ अभी कुछ कुछ बोल रहे थे, तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? सीधा सवाल। तेजस्वी यादव महा खराब लगते हैं। महा खराब? हाँ, जब राम मंदिर जैसा सनातन धर्म को उसने खराब किया, मिटाने को बात कहा, और वह जो है कहा कि वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए। जब लालू जी मुख्यमंत्री थे तो उसने चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किया, पहलमाना विद्यालय, हरवाहा विद्यालय, लाठी में तेल पिलाने का जो है तो विद्यालय खोलने लगा। और जब जब राम मंदिर बनते हैं जी 500 वर्ष के बाद, इतने हिंदू के आस्था पर उसने पानी फेरने का काम करता और बोलता है कि वहाँ पर हॉस्पिटल बनना चाहिए, इससे बड़ा बुरी बात कौन होगा। अच्छा, बिहार के लिए काम किया है डिप्टी सीएम रहते हुए तेजस्वी यादव, वो कहते हैं बहुत 5 लाख नौकरी दी है तेजस्वी, कह रहे हैं। बताइए आपको मिली है आपके परिवार में जानने वाले में किसी को? किसी को नहीं। अच्छा आप बताइए कि हमारे गांव में मुखिया जी है, उप मुखिया का कोई महत्व है? किसी से पता कर लीजिए। जो मुखिया होते हैं वह कुछ करते हैं। तो मुख्यमंत्री कोई था आ ये उप मुख्यमंत्री थे तो कहा हम ही दिए हैं नौकरी, हम ही ये चीज किए हैं, हम ही ये करते हैं। अब बताइए जो है तो मंत्रियों का क्या महत्व है? और लालू यादव और राबड़ी यादव जब जब रही मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री रहे तब कैसा था बिहार? मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी उस समय, उठा पटक था, गड्ढा में था, मतलब कहीं रोड नहीं था, सड़क यही पटना से जाने के लिए 2-2 दिन लग जाते थे। रास्ता में बरसात के समय लोग डूब जाते थे, गड्ढा में, पानी में, कटौझा में कितने लोग डूब गए, लेकिन कहीं रोड बनाने का काम नहीं किया। और जब NDA के सरकार बिहार में बनी तब जो है तो रोड जो है तो बना। अच्छा ये चाचा नीतीश कुमार के बारे में पूछेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा लालू यादव के बारे में पूछ लेते हैं। कहते हैं बड़े लालू यादव बड़े नेता है, मतलब उनके नाम पर पूरे बिहार की राजनीति चलती है, क्या लालू यादव ने बिहार का भला किया है? मतलब देखिए, लालू यादव के समय जो उठा पटक था, जो जाति अनुमाद था, जो नीच ऊंच का भेदभाव, और जो है तो बहुत लोग डर से बाहर नहीं निकलते थे, हम लोग को भी गांव में जो है तो डर लगता था, डर लगता था, झगड़ा के, मार के, पीट के, पुलिस के बैठे बैठे पुलिस को पकड़वा देते थे। गांव में जो है तो यही से CD चलता था, और कौन आदमी पर खिलाफ है उसको यहाँ पुलिस से पकड़वा देता था, रात में जो है तो पकड़ लेता था, छाप देता था पुलिस, इसलिए लोग भय से रहता था, डर से रहता था, और वोट भी देता था, और जिनसे डरता था उन्हीं को वोट देता था। उपाय नहीं था हमारा यहाँ, अब बता देते विधानसभा जो है तो बथनाहा है, वहाँ 5 टर्म सूर्यदेव राय जी रहे तो 1-2 टर्म ना, और जब भय खत्म हो गया तो उलट के जब तक नहीं आए जो है। अच्छा, अब तक उलट के नहीं आए, डर के मारे लालू यादव के काल में लोग डर से वोट देते थे। हाँ, वोट देते थे। तो डर, मतलब ये डर कितने साल तक देखा आप लोगों ने? आप लोगों ने मतलब कि देखा 90 से और 2005 तक पूरा डर था। हाँ, डर था। और मतलब विकास जैसे पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब में जो है तो उतनी अच्छी नहीं थी। नहीं अच्छा था ना? आपके बाल बच्चे ये सब पढ़ाई लिखाई हुआ, सरकारी स्कूल कैसे रहते थे सब? सरकारी स्कूल जो है तो चलते थे, तो कुछ खास नहीं था। खास नहीं था। अच्छा, ये डर पे फिर एक बार सवाल कर लेते हैं, जो लालू के समय आप लोग जंगल राज, जिसको हम लोग जंगल राज कहते हैं, वो जंगल राज आपने देखा है? जी जी जी, तो जंगल राज वही ना, उस समय वोट छाप लेता था। मतलब आप कहते हैं कि जो है तो जंगल राज क्या है, और लोग डर से कैसे देते थे, अब मार कर ऐसे लोग लाइन में लगा हुआ है, मार करके भगा देता था, भागो भागो तुमको वोट देने की जरूरत नहीं है, हम देंगे, वोट छाप लेते थे, भगा देते थे और वोट छाप लेते थे। यानी जब जब चुनाव आता था तो खड़े होते थे पहले ही उनके गुंडे। हाँ,
हाँ भगा देते थे, धड़का देते थे, आपके वोट पे वो ठप्पा लगाते थे, वो ठप्पा लगाते थे। अच्छा अभी ये जो वोट करने वाली मशीन आई है, ईवीएम मशीन आई है, इससे ऐसा कर सकता है कोई? ना ये ऐसा नहीं करता। आज तक जब से ईडीएम मशीन आई है अब तक कहीं कोई इस तरह की घटना नहीं। पहले हर बूथ पर मर्डर होता था, खून खराबा होता था और बाहर से भी लोग आते थे छापने के लिए, गांव घर के भी दबंग लोग होते थे वो भी छापते थे। लालू काल में ये सब हुआ? हाँ हाँ, लेकिन जब ईडीएम चला है तब से कहीं इस तरह की घटना नहीं है। लोग गरीब और जैसे कहता है बाघ और बकरी दोनों ये घाट पर पानी। अच्छा जो लालू यादव के काल में आपने देखा, आपको क्या लगता है तेजस्वी का अगर काल आ गया तो क्या होगा? अब जो है तो लालू जी तो लाठी में तेल पिलाने की बात करते थे, अब समझ लीजिए कि अब जो है तो युग आया है कौन, अब लाठी में तेल पिलाने की चर्चा हो, लाठी में तेल पिलाने से कौन लाभ होगा? उनका बेटा आपको लगता है कि पिता की राह पे चलेगा या कुछ अच्छा करेगा? तो अभी तो वो आए नहीं है, अब अच्छा करेंगे कि खराब करेंगे? फिर भी जो है तो मतलब कि वैसे तो हमारे गांव में देहात में लोग कहते हैं कि माय गुण बछरू पिता गुण घोर अन्न बहुत तो थोरबो थोर। मतलब बछरू कहता है बच्चा को, जब बच्चा रहता है तो उनको माय का गुण दोष उसमें भरता है उस बच्चा में। मतलब जैसे पिता की... ना माता, जैसे माता रहती है उस तरह का गुण दोष उसमें भर जाता है, और जब वह जवान हो जाता है तो पिता का गुण उसमें भरता है। कहा कि माय गुण बछरू पिता गुण घोर, देहाती कहावत है, और न बहुत तो थोरबो थोर, अगर न अधिक है तो थोरो गुण उसमें। तेजस्वी यादव में वही गुण, मतलब वही शासन वो चलाएंगे जो उस पिता और माता के काल में था। अब तो जो है आगे वैसा समय होगा, उनका तो वो था, फिलहाल यही लगता है। हाँ फिलहाल जो है मतलब अब किस तरह के समय का भी बात होता है। उस समय एक छत्र राज था, उस समय लोग दबा कुचला था, अभी जागरूक भी लोग हो गया, जागरूक भी हो गया है, हटता भी नहीं है लोग। हाँ, लोग हड़ेगा भी, उस समय को लोग हटता भी नहीं था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चाचा हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि यहाँ बिहार के अंदर जो MY के बाद बाप समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं उनको लेकर लोगों के जहन में क्या भरा हुआ है। अब अगर सच में तेजस्वी यादव इस चीज को साफ कर पाते हैं लोगों के दिलों से तो शायद उनका भविष्य उज्जवल होगा बिहार की राजनीति में। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाते और वही पुराने ढर्रे पर चलेंगे तो उनके लिए आगे की राह बहुत मुश्किल होने वाली है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। नमस्कार।